नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से लोकतंत्र में। मैं स्पेशल रिपोर्ट दिखाने से पहले एक वीडियो इस वक्त हमारे पास आया है और ये वीडियो बिल्कुल होश फाख्ता करने वाला है, इस वजह से वीडियो पहले आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक के उडुपी में एक मरीज को ले जा रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस का जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला है। आप ये देखिए, मरीज को ये एम्बुलेंस लेकर जा रही थी, तेजी से जा रही थी और आपको वहां पे पानी भी दिखाई पड़ेगा, तो पानी में फिसलती हुई जिस तरीके से एम्बुलेंस आई है और उस एक्सीडेंट ये पूरा हुआ है। चार लोग इसमें, टोल कर्मचारी समेत चार लोग इसमें घायल हो गए हैं और हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है और ये बिल्कुल दिल दहला देने वाला है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस का जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और उसकी चपेट में ये कर्मचारी जो है, जो जहां पर अपने काम करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ रास्ता देने की कोशिश कर रहा था एम्बुलेंस को, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी, इतनी तेजी से आ रही थी कि ये एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो अपना संतुलन खो बैठा और इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ जिसमें चार लोग घायल हो गए हैं। बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना ये कर्नाटक से आ रही है। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज, जैसे मैंने आपको बताया, बात करेंगे तीन राज्यों में रेत माफिया के कहर की कहानी। 24 घंटे के अंदर तीन राज्यों में तीन पुलिस वालों पर माफिया तस्कर गैंग ने उनको कुचल कर मार डाला। ऐसे में सवाल कई उठते हैं। सवाल है कि कानून के रखवालों को कुचलने की ये जो सनक है, माफिया का नया प्रयोग है, डराने की एक नई पूरी साजिश है। इसमें समझने और देखने की बात यह भी है कि कैसे हर राज्य में बिल्कुल एक जैसी मोडस ऑपरेंडी यूज करी गई है। पूरी जानकारी हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चौबीस घंटे के अंदर तीन राज्यों के तीन शहरों से आई ये तीन तस्वीरें माफिया के कहर के वो तीन सबूत हैं जो कानून के खौफ को सरेआम सरेराह कुचलने की गवाही दे रहे हैं। पहली तस्वीर हरियाणा के नूह की है, जहां खनन माफिया ने डीएसपी को कुचलकर मार डाला। दूसरी तस्वीर झारखंड के रांची की है, जहां महिला सब इंस्पेक्टर को पशु तस्कर ने अपने पिकअप वैन से रौंद दिया। जबकि तीसरी तस्वीर गुजरात के आनंद की है, जहां ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वाले को कुचल डाला। रांची और आनंद की कहानी आपको बाद में बताएंगे, पहले बात देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर नूह की, जहां खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई को सरेआम डंपर तले कुचलकर मार दिया। मौके पर मौजूद डीएसपी के गनमैन भले ही उनकी जिंदगी नहीं बचा पाए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए एनकाउंटर में डंपर के क्लीनर इक्कर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डंपर ड्राइवर मित्तर अभी भी फरार है। आपको डीएसपी सुरेंद्र की हत्या के आरोपियों के गांव से भी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ठीक उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां खनन माफिया ने डीएसपी को कुचलकर मार दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई इसी अरावली इलाके में पहुंचते हैं, उन्हें एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके बाद डीएसपी यहां पर पहुंचते हैं। इस सूचना के आधार पर डीएसपी जब यहां पर आते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक डंपर पर जो पत्थर हैं वो लोड किए जा रहे हैं, जिसके बाद डीएसपी इस डंपर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो डंपर चालक रहता है वो पूरी तरीके से बेखौफ रहता है। बताया जा रहा है कि डीएसपी पर अपना डंपर चढ़ाते हुए वो यहां से फरार हो जाता है। ठीक इसी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जब डीएसपी ने डंपर को रोकने की कोशिश की थी। डीएसपी के साथ जो बाकी पुलिसकर्मी थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू होती है और डंपर चालक और क्लीनर की तलाश की जाती है, जिसके बाद कुछ घंटों बाद ही क्लीनर को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन डंपर चालक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस इलाके में अवैध खनन के सबूत चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हरियाणा की सरकार कहती है कि सूबे में खनन पर रोक है, जबकि इस बियाबान इलाके में पत्थर काटने, उठाने और उसे ले जाने के रास्ते सारी कहानी बयां कर रहे हैं। वारदात के बाद सूबे के डीजीपी पीके अग्रवाल भी एसपी और आईजी के साथ खुद यहां पहुंचे थे। कई वर्षों से यहां पर इस तरीके से अवैध खनन चलता आ रहा है और इसमें एक बड़ा नेक्सस जो है वो शामिल है, जो पूरी तरीके से जिनकी मिली भगत है और इसी वजह से वो यहां पर काफी समय से जो अवैध खनन है उसे करने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल अब जांच की जा रही, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार पहले शिकंजा क्यों नहीं कसा गया और ये जो अवैध खनन माफिया है इन पर किसका शय था, किसकी शय पर ये यहां पर इस तरीके से अवैध खनन
कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो प्रशासन है, जो सरकार है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो भी अवैध खनन माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी सुरेंद्र के हत्यारों के ठिकानों पर चलने से पहले हिसार का मंजर देखिए, जहां सारंगपुर गांव में इस वक्त मातम पसरा है। पत्नी कौशल्या और पिता की मौत की खबर सुनकर बेंगलुरु से गांव आई बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कभी मेरे को ये तो बताया ही नहीं भाई वहाँ इतना खतरा है। ये बात अभी हुई थी, कोई 10 दिन की भी नहीं हुई, अब तक ही हुआ है। एक जिप्सी में एसआई और ड्राइवर को टम्पर ने कुचल दिया, इन्होंने पूरी रात उसको मतलब उनको एडमिट कराया, वो निकला यूं कह रहे 8 किलो दूर उसको मतलब वो ले गया घसीट दे। शुक्र है उनकी जान बच गई, उनके बेचारों के भाई आत्मा जो भी टूटा है, मगर बोले जिप्सी तो बिल्कुल कभी लियो नहीं लग रहा भी वो बच गए। मन का शुक्र है भगवान का बच गए, और फिर भी वो चले गए। जो फिर उनकी बेवकूफी है, जब वो हफ्ता पहले ये हादसा हुआ है वहाँ, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। छोटे भाई अशोक डीएसपी सुरेंद्र के बेहद करीब थे, वो कह रहे हैं 4 महीने पहले ही माता पिता का निधन हो गया, अब भाई भी चला गया। जो भाई 3 महीने बाद रिटायर होने वाला था, रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने वाला था, उसकी मौत की मनहूस खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। अशोक ने अपने भाई की हत्या में साजिश का शक भी जताया है। भी तू छलांग तेरे लिए लगा रहा है कि डीएसपी को जब नौकरी तेरे को उसकी गन सिक्योरिटी के लिए दी थी, अगर छलांग मान लो ये तो डीएसपी के साथ है, पुलिस की नौकरी है बड़े बड़े अफसरों के, बड़े बड़े वीआईपी के साथ होती है, तो अगर मान लो अगर ये ऐसे सिर्फ अभी हम हमारी जान बच्चे लोग अफसर तो अफसरों के साथ ऐसे ऐसे गनमैन होते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और अफसर को वीआईपी को आंस नहीं आने देते, और वो अपनी छलांग लगा लेते हैं, एक अफसर की बलि दे देते हैं, तो ये भी जांच का विषय में तो डाउट है। फिलहाल डीएसपी सुरेंद्र के बेटे का कनाडा से लौटने का इंतजार है। जो बेटा अगस्त में परिवार को सरप्राइज देने आने वाला था, उसे अब अचानक पिता की अंतिम विदाई के लिए आना पड़ रहा है। अब आपको एक बार फिर नूह के तावड़ू लेकर चलते हैं, जहां कातिल डंपर तो पुलिस के कब्जे में है लेकिन ड्राइवर फरार है, जिसने अवैध खनन के बाद डीएसपी को इसके पहिए तले रौंद दिया। डंपर को आप तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस डंपर के नंबर प्लेट पर अगर हम नजर डालें तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर प्लेट पूरी तरीके से साफ नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके ये डंपर जो है वो क्यों किस तरीके से हरियाणा की सड़कों पर चल रहा था, क्यों इसे रोकने की कोशिश पहले नहीं की गई, जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल है जिसकी तलाश जो है, जिसका जवाब जो है फिलहाल पुलिस लगा रही है। यकीनन सवाल बेहद गंभीर है। जिस डंपर का नंबर तक मिट चुका है, वो कैसे हरियाणा की सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहा था? इसे चलाने वाला माफिया कितना बेखौफ था कि उसने डीएसपी की जान तक ले ली? यही वजह है कि साजिश का शक गहराता चला जा रहा है। अब आपको डंपर के ऊपर ड्राइवर मित्तर और एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार इक्कर के गाँव लेकर चलते हैं, जहाँ मित्तर के घर पर ताला लटका है और वो परिवार समेत फरार है। यहीं पास में ही डंपर के क्लीनर इक्कर का भी घर है, जहां उसके एक पड़ोसी ने उसके बारे में क्या बताया खुद सुनिए। ये पंचगांव इलाका है जहां पर मित्तर का ये वही घर है जहां पर मित्तर जो है वो अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि अगर हम इस घर की बात करें तो फिलहाल जो है घर जो है वो लॉक है, बंद है। हम कोशिश जरूर यहां पर कर रहे थे लेकिन हमने देखा कि घर को लॉक किया गया, अंदर जो है वो सामान बिखरा हुआ है लेकिन घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं है। जो मित्तर के जो रिश्तेदार हैं, जो कि आसपास ही इस इलाके में रहते हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जाहिर तौर पर जब ये घटना हुई उसके बाद से ही मित्तर और उसका परिवार जो है वो यहाँ से फरार है। इक्कर का पड़ोसी उसे दिमागी रूप से बीमार बता रहा है। उसके मुताबिक वो डंपर पर पहली बार गया था लेकिन खुद इक्कर की मां के मुताबिक वो अक्सर डंपर मालिक मित्तर के साथ खनन के लिए जाया करता था। आपका जो बेटा है वो कल का गाड़ी में क्यों गया था? मानो ना अल्लाह की दुआ। आपको नहीं मालूम? हाँ, काल भी कही तुम मत जा मित्तर के साथ। मानो ना, मैं कहूँ बेटे तुम मत जा, बेटे तुम मत जा, अल्लाह की मुझे ना माने। हाँ तो क्या मित्तर के साथ पहले भी वो जाता था? हाँ पहले भी जाता था। हाँ अब पुलिस को मित्तर की तलाश है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से डीएसपी सुरेंद्र का मर्डर हुआ उससे नूह के तावड़ू इलाके में बेहद नाराजगी है।
हत्या के विरोध में बाजार बंद है, दुकानों पर ताले लटके हैं, लोगों ने मौन जुलूस निकाला, एसडीएम से मिलकर ज्ञापन सौंप दिया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो है वो मार्च बाकायदा निकाला जा रहा है। तमाम जो इलाके के लोग हैं वो इस मार्च का हिस्सा है। हमारे साथ जो चेयरपर्सन है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये मार्च आप लोगों के जरिए द्वारा निकाला जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं और आज पूरा बाजार जो है वो बंद है? हमारी मांगे हैं कि जो कल निर्मम हत्या हुई है उसके लिए आरोपियों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये मार्च इसीलिए निकाला जाता है, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी उनके लिए है। और हमारे शहर में इस तरीके का रोष है, जैसे कि परिवार का कोई इंसान चला जाता है, जब परिवार में रोष होता है, एक दुख होता है, वही हमारा तावडू क्षेत्र आज उनके प्रति दुख प्रकट कर रहा है इस निर्मम हत्या के लिए। और हम सरकार से, प्रशासन से ज्ञापन के जरिए यही मांग कर रहे हैं कि दोषियों को, आरोपियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आगे आने वाला अगर कोई अपराध करता है तो इसके बारे में 100 बार सोचे। यहाँ आरोपों के कटघरे में प्रशासन के आला अफसर हैं, जिन पर लोग माफिया से मिली भगत के इल्जाम लगा रहे हैं। हमने देखा कि जो डंपर पकड़ा गया उस डंपर पर जो नंबर प्लेट था वो पूरी तरीके से मिटा हुआ था, बावजूद इसके ये डंपर जो है धड़ल्ले से हरियाणा की सड़कों पे चल रहा था, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका हुआ होगा? निश्चित तौर से प्रशासन की मिली भगत है। कुछ प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो जो उच्च अधिकारी हैं, वो मिले हुए होते हैं और वो इनकी मंथली सेट होती है। सिर्फ ईमानदार अफसर इसमें पिसता है और जो सुरेंद्र साहब, जो डीएसपी साहब जो इसका शिकार हुए हैं, ये भी इनकी ईमानदारी और एक ईमानदार अफसर का जो ये नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, ये अपूर्णीय क्षति है। इसलिए पूरे बाजार में रोष है और सभी लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। लोगों की मांग तो इस इलाके में मिलिट्री को तैनात करने की है, लेकिन एसडीएम का दावा है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होगा। पुलिस इसमें और प्रशासन इसमें बहुत ही सख्ताई से पेश आ रहा था और हमारी नंबर ऑफ रेड्स भी बढ़ी थी, जिसी कारण से ऐसा है कि इस प्रकार के इंसिडेंट जो हुआ है, क्योंकि रेड्स जब बढ़ती हैं और हर जगह जब चेकिंग होती है और जब चेकिंग के बाद सख्त कार्रवाई होती है, तो उसी से बचने का एक मुहिम रह जाती है ड्राइवर में कि मेरे को यहाँ से भागना है ताकि मेरा चालान बच जाए, तो उसी हड़बड़ाहट में इस प्रकार के हादसे होते हैं। हरियाणा सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया गया है। 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। डीएसपी के हत्यारे सीधे सीधे अवैध खनन में शामिल थे, लेकिन बीजेपी इन्हें माफिया नहीं, पत्थर चोर बता रही, अवैध खनन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। मैं समझता हूँ ये खान माफिया नहीं है, ये पत्थर चोर नहीं है। खान माफिया तो कांग्रेस के राज में चलती है, सारे मोदी मनोहर जी के राज में खान माफिया पैदा नहीं है। खानों को अलॉट नहीं किया जाता, खानों की ऑप्शन होती है। खान माफियाओं को संरक्षण प्राप्त था कांग्रेस के राज में और वो पॉलिटिकल लोग थे तमाम, मैं किसी का नाम नहीं लेना, जिनको खाने दी गई थी। और किस तरह कानून का दुरुपयोग होता था, किस तरह टैक्स की चोरी होती थी, ये सारा हरियाणा जानता है, सारा देश जानता है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में कानून का राज खत्म हो चुका है, ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे दें। बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक घटना है, वो इतनी दुखद घटना है। ये एक ड्यूटी पर तैनात डीएसपी को जिस प्रकार से मर्डर किया गया, ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं है। फ्री फॉर ऑल हो रहा है, जो मर्जी करो। ये देखिए, प्रदेश में जो माइनिंग माफिया है, या तो बेकाबू है इनसे या संरक्षण प्राप्त। सरकार का ऐसा है, सरकार ऐसा प्रतीत होता है, सरकार है ही नहीं हरियाणा में।